सो ही गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट नॉन चाइनीज स्मार्टफोन्स के बारे में, जो कि आपको 15,000 के प्राइसिंग के आसपास देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर हम जितने भी स्मार्टफोन्स के बारे में बात करने वाले हैं, हर एक डिवाइस आपको सैमसंग की तरफ से जो है काफ़ी कमाल के फीचर्स के साथ में आता है। जैसे कि आपको 6000 mAh की मैसिव बैटरी मिलेगा, 90Hz की फुल HD प्लस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और साथ ही यहाँ पर आपको पावरफुल कैमरा देखने को मिल जाता है। तो अगर आपका बजट 15,000 प्राइसिंग के आसपास है और आप एक बेस्ट सैमसंग स्मार्टफोन बाय करने की प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और साथ ही ऐसे ही टेक वीडियोज़ के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M12 डिवाइस के बारे में, जहाँ पर आपको मिलता है 6.5 इंच की एक HD प्लस की TFT LCD डिस्प्ले, जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। तो डिस्प्ले यहाँ पर आपको स्मूथ मिलेगा, और वहीं आपको सिक्योरिटी के लिए साइड मॉनिटर फिंगरप्रिंट का सेंसर यूज़ किया गया है। कैमरा की बात करी जाए तो ये स्मार्टफोन जो है क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ में आता है, जहाँ पर आपको प्राइमरी सेंसर जो है 48 MP का यूज़ किया गया है। इसके अलावा आपको 5 MP की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 MP का डेप्थ एंड 2 MP का जो है मैक्रो लेंस यूज़ किया गया है। साथ ही आपको फ्रंट की ओर 8 MP का जो है सेल्फी कैमरा दिया गया है। और वहीं बात करें इसके बैटरी के बारे में, तो यहाँ पर आपको 6000 mAh की मैसिव बैटरी का यूज़ किया गया है, जहाँ पर आपको 15W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको सैमसंग का खुद का एक्जिनोस 850 का चिपसेट यूज़ किया गया है, जो कि 8 nm पर बेस्ड है। तो यहाँ पर आपको पावर एफिशिएंसी काफ़ी कमाल का देखने को मिल जाएगा, साथ ही आप यहाँ पे जो है नॉर्मल गेमिंग काफ़ी स्मूथली कर पाएंगे। प्राइसिंग की बात करें तो इसका जो बेस वेरिएंट है वो आपको 4G प्लस 64GB स्टोरेज के साथ में आता है, जिसका प्राइसिंग फिलहाल के टाइम में 11,499 है। और वहीं अगर आप 6G प्लस 128GB स्टोरेज के साथ जाना चाहते हैं, तो इसका प्राइसिंग आपको 13,499 देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको इस प्राइसिंग में सैमसंग की तरफ से कोई स्मार्टफोन चाहिए, तो आप इस डिवाइस को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप इसके जगह सैमसंग गैलेक्सी F12 डिवाइस को कंसीडर कर सकते हैं, जहां पर आपको एस्पेक्ट्स एंड फीचर्स दोनों ही आपको सेम मिलेगा। यहां पर आपको ओनली जो है एक डिवाइस अमेजॉन पे मिलता है, और आपको दूसरा जो है फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर मेनली आपको यही डिफरेंस मिलता है, तो आप दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन को कंसिडर कर सकते हैं। सो ही गाइस, जब बढ़ते हैं नेक्स्ट सैमसंग स्मार्टफोन की ओर, तो यही डिवाइस आता है गैलेक्सी F22, और यहाँ पर आपको मिलता है 6.44 इंच की एक HD प्लस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 90Hz पैनल के साथ में आता है। और वहीं आपको साइड की ओर फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा। कैमरा की बात करी जाए तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त कैमरा ऑफर किया गया है, जो कि क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ में आता है। यहाँ पर आपको प्राइमरी सेंसर जो है 48 MP का यूज़ किया गया है। इसके अलावा आपको 8 MP की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड आपको बाकी के 2 MP का डेप्थ एंड मैक्रो लेंस मिलेगा। साथ ही आपको फ्रंट की ओर 13 MP का फ्रंट सेल्फी शूटर दिया गया है, और इस डिवाइस का भी कैमरा आपको प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग जो है काफ़ी ज़बरदस्त मिलने वाला है। साथ ही इस डिवाइस को भी पावर देने के लिए 6000 mAh की मैसिव बैटरी का यूज़ किया गया है, जहाँ पर आपको 15W का चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। और वहीं बात करें इसके प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक का हीलियो G80 का एक बजट लेवल का जो है गेमिंग चिपसेट यूज़ किया गया है, जो कि 12 nm की फेब्रिकेशन पर बेस्ड है। तो यहाँ पर आपको प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस में यहाँ पर जो है इशू देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि आपको प्राइस के अकॉर्डिंग डिसेंट परफॉर्मेंस मिल जाएगा। प्राइसिंग की बात करें तो इसका जो बेस वेरिएंट है वो आपको 4G प्लस 128GB स्टोरेज के साथ में आता है, जिसका प्राइसिंग फिलहाल के टाइम में 13,000 है। और वहीं अगर आप 6G प्लस 128GB स्टोरेज के साथ जाना चाहते हैं, जिसका प्राइसिंग आपको 15,000 देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको 13,000 के प्राइसिंग में मैसिव बैटरी, कमाल की कैमरा चाहिए, साथ ही आप एक डिसेंट यूज़र हैं, तो आप इस डिवाइस को कंसिडर कर सकते हैं। सो ही दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट सैमसंग स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आता है सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी M32। और यहाँ पर आपको रियली सैमसंग की तरफ से प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग काफ़ी कमाल का फीचर्स मिलेगा। जैसे कि आपको मिलता है 6.4 इंच की एक सुपर एमोलेड वाली डिस्प्ले, जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है, और ये डिस्प्ले आपको 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ में देखने को मिलेगा। और वहीं आपको 800 nits पीक ब्राइटनेस के साथ में ये डिस्प्ले आता है, साथ ही आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। तो डिस्प्ले नो डाउट आपको काफ़ी कमाल का देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको कलर्स काफ़ी पंची दिखाई देगा। साथ ही आपको सिक्योरिटी के लिए साइड की ओर फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलता है, और वहीं आपके सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए नॉक सिक्योरिटी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर सैमसंग तरफ से जो है प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग रियली काफ़ी कमाल का कैमरा ऑफर किया गया है, जो कि मेन सेंसर आपको 64 मेगापिक्सल का मिलता है।
इसके अलावा आपको 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड 2 मेगापिक्सल का जो है मैक्रो लेंस दिया गया है। साथ ही आपको फ्रंट की ओर 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और इसका कैमरा आपको लो लाइट साथ ही डे लाइट में भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करता है, यानी कि आपको जो है 15,000 के प्राइसेंस के अकॉर्डिंग कैमरा इसका काफ़ी दमदार देखने को मिलेगा। साथ ही इस डिवाइस के अंदर भी आपको जो है 6000 mAh की पावरफुल बैटरी यूज़ किया गया है, जहाँ पर आपको 15 वाट का चार्जर जो है इन द बॉक्स मिल जाएगा। और इसके चिपसेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी आपको मीडियाटेक का हीलियो G80 का एक बजट लेवल का गेमिंग चिपसेट मिल जाता है, तो परफॉर्मेंस यहाँ पर भी आपको डिसेंट देखने को मिल जाएगा। प्राइसिंग की बात करें तो इसका बेस वेरिएंट आपको 4G प्लस 64GB स्टोरेज के साथ में मिल जाएगा, जिसका प्राइसिंग फिलहाल के टाइम में 15,000 है। और वहीं इसका दूसरा मॉडल आता है जहाँ पर आपको 6G प्लस 128GB की स्टोरेज दी गई है, जिसका प्राइसिंग फिलहाल के टाइम में 17,000 है। तो अगर आपको 15,000 के प्राइस रेंज में टॉप क्लास की डिस्प्ले चाहिए, साथ ही आपको पावरफुल बैटरी और आपको टॉप नॉच की जो है कैमरा चाहिए, तो आप इस डिवाइस को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। सो ही गाइस, अब लास्ट में बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M21 2021 एडिशन के बारे में, जहां पर आपको मिलता है 6.4 इंच की एक फुल एचडी प्लस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि नॉर्मल 60 हर्ट्ज पैनल के साथ ही आता है। और यहां पर आपको कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी गई है, साथ ही आपको सिक्योरिटी के लिए रियर साइड की ओर फिजिकल फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा। कैमरा की बात करें तो ये स्मार्टफोन जो है ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप के साथ में आता है, जहां पर आपको मेन सेंसर जो है 48 मेगापिक्सल का यूज़ किया गया है। इसके अलावा आपको 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड आपको 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर यूज़ किया गया है। साथ ही आपको फ्रंट की ओर 20 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। कैमरा इसका भी आपको जो है प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी पावरफुल देखने को मिलेगा। और वहीं बात करें इसके बैटरी के बारे में, तो यहां पर भी आपको जो है अच्छी खासी बैटरी दी गई है, जो कि 6000 mAh की बैटरी यूज़ किया गया है। साथ ही आपको 15 वाट का चार्जर जो है इन द बॉक्स देखने को मिलेगा। और वहीं बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको सैमसंग का खुद का चिपसेट यूज़ किया गया है, जो कि आपको एग्जीनोस 9611 का चिपसेट मिल जाता है, जो कि 10nm की आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। तो प्राइसेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आपको परफॉर्मेंस जो है डिसेंट ही देखने को मिलेगा। प्राइसिंग की बात करें तो ये भी डिवाइस आपको 4G प्लस 64GB स्टोरेज के साथ मिल जाएगा, जिसका प्राइसिंग फिलहाल के टाइम में 13,000 है। और वहीं इसका टॉप मॉडल आपको 6G प्लस 128GB स्टोरेज के साथ में आता है, जिसका प्राइसिंग 15,000 है। तो आप इस डिवाइस को जो है 13,000 के प्राइसिंग में कंसिडर कर सकते हैं। सो हे गाइस, यही था सैमसंग तरफ से आने वाले बेस्ट टॉप 5 स्मार्टफोन्स। आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो इनमें से आपको जो है कौन सा स्मार्टफोन सैमसंग तरफ से 15,000 के प्राइसिंग में बेस्ट लगा, आप जरूर से हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो मैं मिलता हूं आपसे जल्दी एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।